हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स व्हिच इज एटम्स, वी गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज इन दिस सेशन। नीट पैटर्न की एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे। हम लोग इस जो सेशन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये देखेंगे कि नीट का जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, इट इज़ कम्प्राइज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द सैम्पल पेपर क्वेश्चन। ओके, so let's start with the first question. In this question we have been given that radioactive material A has a decay constant 8 lambda and material B has decay constant as lambda. So initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of the number of nuclei of material B to that of A will be 1/E. सो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमें बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है ए, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है बी। उन दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो ये भी एन नॉट थे इनिशियली और ये भी एन नॉट थे इनिशियली। दूसरी चीज़ जो दी गई है वो ये है कि ए का जो डीके कॉन्स्टेंट है वो है 8 लैम्डा और सेकेंड केस में लैम्डा। हमसे पूछा गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू ए, यानी कि एन बी अपॉन एन ए विल बी इक्वल्स टू 1/E। नाउ इफ आई बी फाइंडिंग आउट द एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियाई बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम टी, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट यानी कि नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड। So in this equation, Na will be equals to N naught e raised to the power minus lambda. Now it is 8 lambda t. We are taking some constant time t, so we are taking a common time, and in Nb will be equals to N naught, क्योंकि initially जो है number of atoms वो same है, e raised to the power minus lambda into t. हमें दिया गया है ये ratio Nb upon Na. तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ एन बी अपॉन एन ए, वो क्या होगा, न्यूक्लियर ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए, सो दैट इज़ वाई एन बी अपॉन एन ए। तो होगा क्या, एन नॉट ई रेस टू द पार माइनस लेमडा टी डिवाइडेड बाय एन नॉट ई रेस टू द पार माइनस 8 लेमडा टी, एंड एन बी अपॉन एन ए हैज़ बिन गिवन अस टू बी 1/E। सो कैन आई पुट दिस 1/E ओवर हियर, I'll be writing 1/E equals to n naught cancel हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, e raised to the power minus lambda t minus, और ये आप इसे ऐसे कर सकते हैं, e raised to the power 8 lambda t। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 7 lambda t। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ e raised to the power minus 1 equals to e raised to the power 7 lambda t। क्योंकि इनका बेस सेम है तो मैं इनके जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर सकती हूँ। सो ऑन कंपेयरिंग आई विल बी हैविंग माइनस 1 इक्वल्स टू 7 लैम्डा टी, और फ्रॉम हियर क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है टाइम, सो दैट विल बी माइनस 1 अपॉन 7 लैम्डा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 7 लैम्डा मेरे पास ऑप्शन में है, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन 7 लैम्डा, 1 अपॉन 8 लैम्डा एंड 1 अपॉन 9 लैम्डा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड आया है 1 अपॉन 7 लैम्डा वो है सेम, बट मेरे पास क्या आया है नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन की एक बार गलती देख लेते हैं, कहाँ हमने गलती की है। वो जो गलती होगी वो होगी डेफिनेटली इस जगह पर, यानी कि हमने जो रेशियो लिया है एन बी अपॉन एन ए, अगर आप इसे कर दें एन ए अपॉन एन बी, इट इज़ इक्वल्स टू देन e raised to the power minus 8 lambda t upon e raised to the power minus lambda t, right? Now from here what we will get? We will be getting 1/E equals to e raised to the power minus 8 lambda t plus lambda t. ठीक है, तो e raised to the power minus 1 equals to e raised to the power minus 7 lambda t, यहाँ से हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी टाइम की वो होगी 1 upon 7 lambda. वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो आपका टाइम होगा वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जो आपका मैग्नीट्यूड वो आ रहा था वो भी करेक्ट था। सो यू कैन टिक ऑन द ऑप्शन नंबर बी दैट वी आर हैविंग विद अस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू
Question number 2 says that in a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approach is R0. So the energy of the projectile is directly proportional to M1 into M2, directly proportional to Z1 into Z2, yani ki charges, ye tha aapka masses, inversely proportional to the charge Z1, or it is directly proportional to the mass M1. So we have to check it out. Karte hain solve. Dekhiyega, kyunki baat ki gayi hai, ek projectile hai, jiska mass hai M1, charge hai Z1. Ye hai aapka projectile. Dusra hai aapka target nuclei, jiska mass hai M2 aur charge hai Z2. ओके सो ये जो बोला जा रहा है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है R0. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होता है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. योर काइनेटिक एनर्जी converts into the potential energy. ठीक है, सो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच इज आर नॉट, सो द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो हम बात कर रहे हैं इस एनर्जी की, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट अस से कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द टारगेट न्यूक्लियाई. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2. नाउ इनका चार्ज जो है वो है Z1 Z2, सो आई विल बी प्लेसिंग Z1 Z2 अपॉन R0, जो इनके बीच का डिस्टेंस है. सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो किसके इक्वल आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 into Z2. अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की टू M1 into M2, तो आई कैन नॉट सी एनी सच काइंड M1 M2 रिलेशन आउट हेयर, सो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z1, आई कैन नॉट सी दैट इट इज़ एन इन्वर्स रिलेशन ऑफ एनर्जी विद Z1, सो इट कैन नॉट बी ट्रू. रॉन्ग. Directly proportional to the mass M1, again I cannot see the relation with out here. So option number B is the correct answer for this question. Now let's just move to the question number 3. The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. When its electron is in the first excited state, its excitation energy is what? सबसे पहले तो हमें question में क्या दिया गया है देखिएगा. द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट में आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होती है, n=1. तो यहाँ जो आपकी एनर्जी दी गई है ग्राउंड स्टेट पर वो दी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, वेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो देखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ये है n=1 विच इज ग्राउंड स्टेट. तो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई, n=2 एंड दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज व्हाट. सो हमें अगर पता है कि यहां मैं एनर्जी निकालूं, यहां की मुझे एनर्जी दी हुई है, तो जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, इनका डिफरेंस. सो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, E1 मुझे दिया है, मैं निकालती हूँ E2. E2 निकालने के लिए, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द सेकेंड शेल निकालने के लिए, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो होता है E=-13.6/n². ठीक है, n है यहाँ पर 2, तो जब आप पुट करेंगे -13.6/4 आपके पास वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये जो एनर्जी आई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो एनर्जी थी वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक्साइटेशन एनर्जी के लिए
होती क्या है कि आपने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, तो जितनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ वो आपकी हुई एक्साइटेशन एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन कितने का होगा? दिस माइनस दिस, सो वी आर गोइंग टू गेट द एक्साइटेशन एनर्जी एज डेल्टा ई व्हिच विल बी ई टू माइनस ई वन, सो इट इज माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, सो यू कैन राइट इट एज माइनस 3.4 प्लस 13.6, दैट मीन्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This must be your answer. That means the excitation energy. And let us just verify from the options available whether 10.2 electron volt is present. And yes, option number C is the correct answer for this question. Right? So this was the question and this was the approach that I told you right now. Let's just move to the next question. Energy levels A, B, C of a certain atom corresponding to the increasing values of energy, it means Ea less than Eb less than Ec. If lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelengths of radiation corresponding to the transitions C to B, B to A and C to A respectively, which of the following relation is correct? So, पहले तो question को समझने की कोशिश करिएगा कि जो question में लिखा है, मैं समझ सकती हूँ जब बच्चे paper में बैठे होते हैं, जब एग्ज़ाम आपके आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है तो हर चीज़ आपको डिफ़िकल्ट सी लगने लगती है, पर एक बार थोड़े कूल माइंड होके अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, और एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, दिया गया है एनर्जी लेवल्स ए बी सी ऑफ अ सर्टेन एटम। मुझे तीन लेवल मिले हैं ए बी सी, इसके लिए उन्होंने मुझे बताया है कि एनर्जी जो ए की है वो सबसे कम है, फिर उसके बाद आती है बी की, फिर उसके बाद आती है सी की। तो इसका मतलब ये जो हुआ, ये हुआ ई ए, ये हुआ एनर्जी ऑफ बी, एनर्जी सी। ये तीन लेवल जो हुए वो हुए ए बी एंड सी। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन सी टू बी, C to B के लिए आपकी जो corresponding wavelength होगी वो होगी lambda 1, B to A के लिए corresponding wavelength lambda 2 and C to A के लिए corresponding wavelength होगी lambda 3। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या दिया है, C to B। So C to B जब आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस केस में जो ट्रांजिशन होगा वो wavelength है lambda 1। उसके बाद दिया गया है B to A, बी टू ए में जब आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका जो ट्रांजिशन होगा, जो वेवलेंथ निकलेगी वो होगी लेमडा 2। फाइनली दिया गया है सी टू ए के लिए जो वेवलेंथ है वो है लेमडा 3। इस केस में जो वेवलेंथ निकली वो थी लेमडा 3। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो सबसे पहले देखें, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है ई से बी में, सो दैट मीन्स ई सी माइनस ई बी क्या होगी, इट इज इक्वल टू एच न्यू, या आप इसे लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में। सो ई सी माइनस ई बी विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, क्या लेमडा 1, क्योंकि सी से बी में जो वेवलेंथ आ रही है वो है लेमडा 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ई बी माइनस ई ए करिए तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, एच सी अपॉन लेमडा 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ई सी माइनस ई ए अगर आप करेंगे तो क्या आएगी, ई सी माइनस ई ए विल बी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा 3। ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब आप इन तीन इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपकी जो वैल्यू आए, जो आपका रिलेशन आए वो इजीली निकल पाए। तो देखिए मैं क्या करूंगी, ई सी माइनस ई बी प्लस ई बी माइनस ई ए, मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर रही हूं, एडिंग 1 and 2, आई एम हैविंग ई बी माइनस ई ए इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, बी और बी हो गए कैंसिल, आपके पास क्या बचा, ओनली ई सी माइनस ई ए इक्वल्स टू एच सी इंटू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। राइट,
अब ईसी माइनस ई ए हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास निकल के आया है एच सी अपॉन लेमडा 3. सो यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, यू विल बी हैविंग एच सी अपॉन लेमडा 3 इक्वल्स टू एच सी इंटू 1 बाय लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2. एच सी कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन लेमडा 3 इक्वल्स टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इंटू लेमडा 2. ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी लेमडा 3 निकल के आएगी वो होगी कितनी, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2. ये आई है आपकी रिलेशन. अब देखिए ऑप्शन में ये प्रेजेंट है या नहीं. सो लेट्स जस्ट गो टू द ऑप्शंस. लेमडा 3 इक्वल्स टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, एंड यस दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. सो दैट इज वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ डन, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया, समझा और हमने इजीली इसे किया. बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, तो ये मत समझिएगा इस चैप्टर से कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. जनरली जो आपसे पूछे जाते हैं वो है आइंस्टाइन की आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इस तरह के क्वेश्चन जो कि पूछे गए ड्यूअल नेचर में. इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा बोर्स एटम मॉडल से रिलेटेड और एनर्जी लेवल से रिलेटेड, जो कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर. आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव अ रेडियस ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज हैविंग द रेडियस ऑफ दिस. आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन द रेडियस बिकम्स दिस. What is the principal quantum number n of the final state of the atom? So ये जो हमें find out करना है, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो radius का formula हमारे पास होता है, it is equals to n square h square upon 4 pi square m k e square into z. ये हम लोगों ने formula देखा in the terms in the Bohr's atom model, the radius of any nth orbit is equals to this. ठीक है, हमें दिया गया है पहला रेडियस है 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर. ठीक है, दूसरा रेडियस जो है, जो कोलिजन के बाद आपका रेडियस हो गया, वो है 21.2 × 10⁻¹⁻ मीटर. ठीक है, अब हमें दिया गया है कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो यानी कि Z हो जाएगा 1. दूसरी चीज, हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. तो सबसे पहले जब एटम था तो इनिशियली N1 जो था वो था ग्राउंड स्टेट, यानी कि N1 वॉज 1. एंड वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द N2, क्योंकि लिखा है क्वांटम नंबर ऑफ द फाइनल स्टेट वी हैव टू फाइंड आउट. सो फाइनल स्टेट लेट अस से इट इज N2, एंड दिस इज ऑल वी हैव टू फाइंड इट आउट. अब इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने जब आपके सामने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, आपको एक रिलेशन तो समझ आया होगा कि जो रेडियस है इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड. क्योंकि जेड है 1, सो मैं यहां लिख सकती हूं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर. लिख सकती हूं, जेड तो 1 है. अब देखिए R1 अपॉन R2 और N1 आपको दिया गया है, आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, N2 की वैल्यू. सो फ्रॉम हियर R1 इज 5.3 × 10⁻¹⁻ डिवाइडेड बाय R2 विच इज 21.2 × 10⁻¹⁻ मीटर इक्वल्स टू N1 स्क्वायर विच इज 1 अपॉन N2 स्क्वायर. नाउ N2 स्क्वायर फ्रॉम हियर विल बी इक्वल्स टू 21.2. ये 10⁻¹⁻ तो कट गए, तो 21.2 बचा डिवाइडेड बाय 5.3. सो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, सो 53 × 4 = 212, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, and yes 21. सो आपका आया N2, जो आपका आया वो आया अंडर रूट 4, यानी कि N2 इज इक्वल्स टू 2. ये आपका आया फाइनल ऑर्बिटल की वैल्यू. सो देखते हैं फाइनल ऑर्बिटल N2 इज 2 इज प्रेजेंट और नॉट. सो यस,
n equals 2 is the correct answer for this question. I hope ये आपको समझ आया होगा. चलिए बढ़ते हैं next question की ओर. So, in this question, question number 6, it is given that when a hydrogen atom is raised from the ground state to an excited state, so what happens in this case? Does the potential energy decrease and kinetic energy increase? Or potential energy increase and kinetic energy decrease? Both decrease, absorption spectrum happens. What happens in the case when a hydrogen atom is raised from the ground state to an excited state? सबसे पहले देखते हैं अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि इसमें दिया गया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. और अगर मैं बात कर रही हूँ एक इलेक्ट्रॉन की, जो कि बोर्स एटम मॉडल के अकॉर्डिंग वो क्यों घूमता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ इक्वल्स टू द कूलम एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है. सो वन एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है. ये आया, हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा. तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, आप यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज आर स्क्वायर. आर स्क्वायर है तो यहाँ से सिर्फ स्क्वायर कैंसिल होगा. एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल के आई 1/4 pi epsilon naught को मैं के लिख देती हूँ, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू हाफ इन टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. अब देखिए, क्योंकि आप क्या पढ़ा रहे हैं, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट विच इज एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल टू 2 एंड दिस इज एन इक्वल्स टू 3. जब आप एक इलेक्ट्रॉन को उठा रहे हैं ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर एनर्जी में ले जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है. आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आप आर को इनक्रीज कर रहे हो. आर को इनक्रीज कर रहे हो क्योंकि आप उसको रेज कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप आर को इनक्रीज कर रहे हो. अब अगर आर हुआ इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इसमें क्या रिलेशन निकल के आया है, डिक्रीज का इनवर्स रिलेशन. सो क्योंकि आर बढ़ रहा है, व्हेन यू आर सेपरेटिंग द हाइड्रोजन, व्हेन यू आर सेपरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अ हायर एनर्जी लेवल, यू आर इंक्रीजिंग द आर. एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द आर, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन विद द काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो इन द ऑप्शंस वी कैन सी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. ये जो ऑप्शन होगा ये गलत होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो अब मेरे पास बचे हैं पहले ये दो ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी या दोनों में ही. पोटेंशियल एनर्जी भी चेक कर लेते हैं हम. चलिए आइए अब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को चेक. सो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. मैं डायरेक्ट यहाँ इस फॉर्मूले से देख सकती हूँ कि इट इज़ इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. यानी कि फिर से अगर आर आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आप उसे सेपरेट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, आप आर को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ भी अगर आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. एंड बिकॉज इट इज़ अ सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शंस, सो दिस मीन्स बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज. ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत आपका होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज ऑप्शन इज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. A proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angles to the field B.
if the radius of circular orbits for both the particles is equal, radius has been given to be equal, and the kinetic energy acquired by the proton is 1 mega electron volt, so the energy acquired by the alpha particle will be what? हमें दो चीज दी गई है, एक दिया गया है प्रोटॉन, एक दिया गया है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल दिया गया है। अब देखिए, हमें बोला गया है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जब हम देखते हैं तो फोर्स जो हमारा होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्योंकि वो मूव कर रहे हैं एट द राइट एंगल, तो ये जो होगा एंगल 90 डिग्री, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आया वो आया क्यू वी बी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी इन्हें मिल रहा है, इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रॉम दीज टू, दीज फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू सेटिस्फाई द कंडीशन एंड टू रोटेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सो यहाँ से हमारे पास आया क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी से वी कैंसिल, आपके पास आई वी की वैल्यू यहाँ से क्यू बी आर, वी की वैल्यू क्या होगी, क्यू बी आर अपॉन एम, ये हुई आपकी वेलोसिटी की वैल्यू। मैंने यहाँ से वेलोसिटी इसीलिए फाइंड की क्योंकि मुझे अब फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मुझे दी गई है किसकी, प्रोटॉन की मुझे दी गई है। प्रोटॉन को मैं पी से डिनोट कर लेती हूँ। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज गिवन टू बी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी फॉर द अल्फा पार्टिकल। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, मैंने निकाली है वी की वैल्यू, तो मैं इस V की वैल्यू को स्क्वायर करके एनर्जी के फॉर्मूला में जब पुट करूँगी तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ठीक है। कॉमन टर्म्स को काट दीजिए, M से M कैंसिल, आपके पास बचा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2M। ये आपके पास आया एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपको दी गई है ई पी, आपको फाइंड आउट करनी है ई अल्फा, तो कैसे करेंगे, रेशियो ले लेंगे। अब देखिए, क्योंकि मुझे बात कर रही हूं मैं अल्फा पार्टिकल की, तो जो अल्फा पार्टिकल होता है यानी कि 2He4, उसका मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो एम अल्फा इक्वल्स टू 4 mp। और चार्ज कितना होता है, अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो यानी कि क्यू अल्फा विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये दो इक्वेशन अभी हम यूज करेंगे, तो ई पी अपॉन अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर पी स्क्वायर अपॉन 2 mp डिवाइडेड बाय ई अल्फा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 mAअल्फा अपॉन क्यू अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर आर अल्फा स्क्वायर। रेडियस दोनों का इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, यानी कि अल्फा और प्रोटॉन का रेडियस इक्वल है, तो यानी कि आर अल्फा हैज बीन गिवन टू बी आर पी। तो ये दो जब इक्वल हो गए, ये पूरे पूरे कैंसिल आउट हो गए। अब मैंने आपके सामने लिखा बी स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, आपके पास बचा क्यू पी स्क्वायर, मैं एक बार लिख देती हूँ, क्यू पी स्क्वायर इंटू एम अल्फा अपॉन एम पी इंटू क्यू अल्फा स्क्वायर। अब देखिए, क्यू पी जो होता है, क्यू अल्फा जो है, इट इज इक्वल्स टू 2 qp, यानी कि चार्ज ऑफ, मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ, आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, ये इक्वेशन जब मेरे पास आई, अब मैं क्या करूँगी इस इक्वेशन में, क्यू पी स्क्वायर इंटू एम अल्फा, एम अल्फा इज 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड क्यू अल्फा इट इज गिवन टू बी 2 ऑफ क्यू पी, सो 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी का स्क्वायर। नाउ एम पी कैंसिल, क्यू पी स्क्वायर विल बी कैंसिल, आपके पास बचा 4 अपॉन 4, यानी कि आपके पास आया क्या, 1।
सो ई पी अपॉन ई अल्फा हैज केम आउट टू बी इक्वल्स टू वन, यानी कि एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोटोन, यानी कि जो ई अल्फा हुआ वो हुआ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रोटोन की एनर्जी कितनी दी थी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज व्हाट. ये क्वेश्चन आपको मैं इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो कि फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, लास्ट लाइन कौन सी होती है. तो अगर मैं बात करूँ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज की, तो इन आप जानते हैं कि इन दोनों केसेस में आपका जो फाइनल एनर्जी लेवल होगा, वार्मर सीरीज की केस में NF होता है 2 और लाइमन सीरीज के केस में आपका जो फाइनल एनर्जी लेवल होता है वो होता है 1. अब अगर मैं क्वेश्चन में आपको देती फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के लिए आप जो इनिशियल एनर्जी लेवल लेते इस केस में वो लेते 3 और इस केस में आप लेते इनिशियल एनर्जी लेवल 2, क्योंकि वो होता है आपका नियरेस्ट एनर्जी लेवल. बट यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज. तो लास्ट लाइन जो आपकी होगी वो होगी आपकी इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से किस में जा रहा है, 2 एनर्जी लेवल में, सेकेंड एनर्जी लेवल में. और यहाँ भी जो आपकी इनिशियल एनर्जी लेवल होगी वो होगी इन्फिनिटी. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज, बामर सीरीज अपॉन लाइमन सीरीज, ये हमें फाइंड आउट करना है. इस केस में हम लोग जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 बाय लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर. ठीक है, ये होता है. अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बामर सीरीज और लाइमन सीरीज की, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम. सो जेड विल बी इक्वल्स टू 1. सो 1 बाय लेमडा सबसे पहले ले लेते हैं बामर के लिए. बामर के लिए इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, आर लिख लीजिए आप, आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका होता है 0. सो यहाँ से जो आपकी 1 बाय लेमडा बी आई वो निकल के आई r/4. ठीक है, अब सिमिलरली क्या कीजिएगा लाइमन सीरीज के लिए भी, निकाल लीजिएगा इक्वेशन. और जो लाइमन सीरीज के लिए आपकी इक्वेशन आएगी निकल के वो क्या होगी, 1 अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन r into 1 अपॉन nf स्क्वायर. nf है यहाँ पर 1 और ni क्या है, इन्फिनिटी. सो 1 अपॉन लेमडा अल्फा जो आपकी निकल कर आई वो आई r. हमें फाइंड आउट करना है लेमडा b अपॉन लेमडा l, सॉरी ये अल्फा की जगह इसे l कर लीजिए. ठीक है, लाइमन सीरीज अब हमें निकालना है लेमडा बी अपॉन लेमडा एल. सो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, 1 अपॉन लेमडा बी अपॉन 1 अपॉन लेमडा एल इक्वल्स टू r/4 अपॉन r/1. सो आपके पास जो इक्वेशन निकल के आई क्या निकल के आई, लेमडा एल अपॉन लेमडा बी इट इज इक्वल्स टू r/4r, यानी कि 1/4. पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b/l. सो आप इसे कन्वर्स कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं, सॉरी, लेमडा b अपॉन लेमडा l विल बी इक्वल्स टू 4. सो देखते हैं आप ऑप्शन में ये रेशियो आपका आंसर प्रेजेंट है या नहीं. लेमडा b अपॉन लेमडा l हैज केम आउट टू बी इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट. हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन विल बी 2, 3, 4 और 1. हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. जानते हैं हम लोग कि स्पेक्ट्रल लाइंस जब भी फाइंड आउट करनी होती हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू. ये होता है आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने का फॉर्मूला. ठीक है, पर इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, हमें पहले निकालना होगा एन. एन निकालने के लिए हमें दिया गया है आयनाइजेशन पोटेंशियल. अब आप जानते हैं कि अगर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी. आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ाया, आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताई, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हम कैसे एनर्जी और पोटेंशियल को कोरिलेट करते हैं. तो आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी हुई वो हुई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें दे दिया गया है कि फोटोन की एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब पड़ता है हाइड्रोजन एटम पे, तो उसके एटम एक्साइट हो जाते हैं और एक हाइयर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें दिया गया है डेल्टा ई, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट होकर दूसरी एनर्जी लेवल में गए, यानी कि ई टू. तो ई टू यहाँ से क्या होगी, डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन. और अगर मैं यहाँ से निकालूँ ई टू की वैल्यू, मैं ई टू इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगी 13.6 अपॉन एन स्क्वायर और वहाँ से मैं निकालूंगी एन की वैल्यू सो दैट मैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपनी निकाल सकूँ. सो ई टू फ्रॉम हियर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस ई वन. डेल्टा ई कितना दिया है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई वन, दैट मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब 12.1 -13.6 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपका आया है एनर्जी ऑफ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हम जानते हैं कि हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट की एनर्जी है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ई एन इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है और हमें यहाँ दिया गया है -1.5 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. सो एन स्क्वायर फ्रॉम यू विल बी इक्वल्स टू 13.6 अपॉन 1.5, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हो गए कैंसिल. सो ये जो होता है 15 9s are 136. सो एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एन इक्वल्स टू 3. सो जो आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिट निकल के आई है, यानी कि इस एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन पहुंचा है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ दिस मच द आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इस केस में कितनी होंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एन से, एन एन माइनस वन अपॉन टू. सो आपका जो एन है वो है 3, दैट मीन्स 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2 6 अपॉन 2, यानी कि आपकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकल कर आई है 3. तो देखते हैं ऑप्शन में 3 प्रेजेंट है या नहीं. सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन बिकॉज इट हैज 3 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ओके, सो दिस इज द आंसर एंड दिस वाज द अप्रोच टू स्टार्ट टू बिगिन विद द क्वेश्चन. क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में ये समझना होता है कि हमें निकालना क्या है और हम उस तक पहुँचेंगे कैसे, वो सब आपको स्टेप्स देखने होते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 10, Which source is associated with the line emission spectrum? Electric fire, neon street sign, red traffic light, या sun? देखिए, मैं आपको जब लेक्चर लिया था आपको बताया था कि जो sun होता है उसका होता है continuous emission spectrum. Continuous emission spectrum में आपके पास कोई line spectrum बनकर नहीं आता है. तो यहाँ पूछा गया है line emission spectrum के बारे में, तो ये sun तो obviously नहीं हो सकता. और अगर मैं आपको बात करूं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो जो ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होते हैं इसमें होती हैं आपकी इंडिविजुअल फाइन लाइंस. और ये जो फाइन लाइंस होती हैं ये किसे रिप्रेजेंट करती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को. कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को, एंड दिस टाइप ऑफ एमिशन इज सीन इन द एटम्स ऑफ गैस. ये आपका दिखता है
किसमें? एटम्स ऑफ गैस में आपका ये एमिशन देखने को मिलता है। तो ये एमिशन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? सोडियम लैम्प में, मरकरी लैम्प में, नियॉन लैम्प में। ये सब जो आपके लैम्प्स होते हैं, ये जो सोर्सेज होते हैं, ये आपके एमिट करते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका लाइट एमिशन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा शो करेगा? वो होगा नियॉन स्ट्रीट साइन। तो जैसे सड़क पे आपके नियॉन स्ट्रीट साइन बने होते हैं, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को। बाकी तीन तरह के आपको एमिशन स्पेक्ट्रा बताए गए थे, कॉन्टीन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा एंड द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। ये जो होगा रेड ट्रैफिक लाइट, दिस विल रिप्रेजेंट इधर द कॉन्टीन्यूअस और द व्हाट, वन इज कॉन्टीन्यूअस एंड अनदर इज बैंड। दिस इज योर होमवर्क। मैंने आपको सिर्फ सन का बताया क्योंकि मैंने लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सन का जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस बैंड स्पेक्ट्रा होता है। होमवर्क ये है कि इन तीनों ऑप्शंस का डू वन थिंग, चारों ऑप्शंस का फाइंड आउट कीजिएगा कि इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा आ चुका है और आपसे पूछा भी जा सकता है। सो एक बार इसको गूगल ज़रूर करिएगा। मुझे बताना होता तो मैं बता देती, बट अगर आप लोग इसे सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में ये ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा कि हाँ खुद से आपने कुछ पढ़ा है। सो ये थे आज के क्वेश्चन रिगार्डिंग द नीट पैटर्न। विल मीट अगेन एंड विल डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द चैप्टर। टिल देन जस्ट टेक केयर। थैंक्स अ लॉट।